सो ये गाइस मैं वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। तो जैसा आप सभी लोगों को पता ही है दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के लिए गाइस मैं एक नया कॉन्सेप्ट लाया हूँ फोटो एडिटिंग का। तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी फोटो कुछ ऐसी क्लिक करानी है जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ऐसी फोटो क्लिक कराने के बाद आपको जाना सबसे पहले अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, और जितने मैं इसमें बैकग्राउंड या PNG जो भी लिंक यूज़ करूँगा उसके सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना और जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो को आप फ्यूचर में आने वाली वीडियो को देख सको। तो ये सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। तो इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। तो मैं अपना बैकग्राउंड ले ओके। तो गाइज़ जो मेरा बैकग्राउंड है गाइज़ वो आ चुका है। तो गाइज़ अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे क्रॉप कर लेना है हमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पर फोटो अपनी अपलोड कर रहे हो तो पोर्ट्रेट मोड एकदम बेस्ट मोड है। आप यहाँ पर ये जो इसका तीन आइकन देखेंगे आपको इंस्टाग्राम के बीच वाले पोर्ट्रेट मोड पर क्लिक कर देना है। तो इसे थोड़ी नीचे की तरफ स्लाइड करना और गाइज़ इतना यहाँ पर मैं कर देता हूँ डन। और डन करने के बाद अब आपको रिसाइज़ बढ़ाना है। तो गाइज़ मैं इसका रिसाइज़ बढ़ा देता हूँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा करेंगे, 2500 के करीब कर देते हैं, हमें ज़्यादा नहीं करना है। ओके गाइस जैसे आप देख सकते हो अब इसका रिसाइज जो भी है बढ़ चुका है। और गाइस अब इस इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाने के बाद गाइस हमें इसके कर देते हैं थोड़ा सा ब्लर। तो मैं इसे ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही ब्लर रखूँगा। ओके गाइस इतना ब्लर मेरे लिए ठीक है, आपको जहाँ ठीक लगे आप कर सकते हो। ओके गाइस अब आपको क्या करना है, अपना नेट ऑन कर लेना है। नेट ऑन करने के बाद आपको जाना है सबसे पहले स्टिकर्स में। स्टिकर्स में जाने के बाद गाइस आप सर्च करना सबसे पहले एक बालकनी। तो गाइस मैं जैसे यहाँ पर बालकनी लिखता हूँ, तो गाइस जैसे मैंने बालकनी लिखा तो गाइस मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे बालकनी की। आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारी बालकनी आ चुकी है। तो गाइस मैं अपना कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आपको पसंद आए गाइज आप वो वाला सिलेक्ट करते हो। तो गाइज मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइज जो हमारी बालकनी है गाइज वो अच्छी तरह से हमारे फोटो पर आ चुकी है। तो अभी इसका हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतना कुछ गाइज इतना मुझे सही लग रहा है। और जो इसका ऑब्जेक्ट है गाइज इसकी कलर एडजस्टमेंट भी हमें करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसे कम और कॉन्ट्रास्ट को भी, कॉन्ट्रास्ट और जो इसकी क्लियरिटी इसे हम हल्का सा कर देंगे, और जो इसकी सैचुरेशन है इसे भी हम कमी रखेंगे ज़्यादा नहीं। ओके गाइज जो इसकी सैचुरेशन थी गाइज वो एकदम मैंने कम कर दिया, आप देख सकते हो मैंने जैसे सेटिंग्स कर रखी है जो भी मैंने कर रखी है आप देख सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ से करूँगा ओके। ओके गाइज ओके करने के बाद आपको क्या करना है, स्टिकर्स में जाना, जो भी आपने अपनी फोटो कट करके रखी हो तो गाइज वो वाली ले आना। तो गाइज मेरी जो फोटो मैंने कट करके इसी में रख रखी है, तो गाइज मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपनी फोटो को। तो गाइज मैं इसमें बैकग्राउंड रिमूव करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। ओके गाइज अब हमारा कर देते हैं नेट बंद, तो गाइज एड्स परेशान करती रहती है हमें। ओके गाइज तो थोड़ा से इसे कुछ इतना एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइज आप कुछ इसे इतना कुछ इतना रखना है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, कुछ इतना साइज रख लेना इसे। ओके गाइज अब आप देख सकते हो आपकी फ़ोटो जो एडजस्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। तो गाइज मैं यहाँ से कर दूँगा डन। ओके गाइज डन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना ऐड फोटो के अंदर। ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद अब आपको एक टेक्स्ट PNG लेनी है, जो कि गाइज आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। तो गाइज ये रही वो टेक्स्ट की लिंक, मतलब PNG।
तो गाइस आपको इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना अपने जहाँ आपने फ़ोन पकड़ रखा है। तो गाइस इसे मैं कुछ वहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ गाइस मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस जो मेरी PNG थी गाइस वो एडजस्ट हो चुकी है। यहाँ से करूँगा मैं डन। अब हमारा एक और स्टेप रहेगा, मतलब अपने जो मतलब पीछे जो भी बम वगैरह जो भी हैं इनकी एक लाइटिंग अपने ऊपर दिखानी है हमें। तो गाइस उस लाइटिंग के लिए हम सबसे पहले जाएंगे एड फोटो के अंदर। एड फोटो के अंदर जाने के बाद आपको एक लाइट PNG ले लेनी है। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा या फिर आप स्टिकर्स में जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइस मैं अपनी जो लाइट PNG तो वो लेकर आ चुका हूँ। और जो गाइस इसका जो कलर है गाइस उसे हम पीछे बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत मैच कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और व्यू में जाएंगे। व्यू में इस जो पीछे वाला कलर है तो गाइस उसका कलर कुछ यही है शायद कुछ इतना। तो इसका पीछे वाले कलर गाइस थोड़ा सा ऐसा ही है कुछ। ओके तो मैं यहाँ से कर दूँगा डन। डन करने के बाद अब जाना है आपको सबसे पहले ब्लेंड पे। ये रहा गाइस ब्लेंड। ब्लेंड पे जाने के बाद आप स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद अब इसे हल्की सी शाइनिंग सी कुछ मतलब का थोड़ा कम या फिर ज़्यादा आप एडजस्ट कर लेना जैसे भी है। एंड ब्रश पर क्लिक करना है और इसे हल्का सा मतलब पूरा A to Z हटा कर और गाइस इसे अच्छी तरह से अपने हेयर्स पर फेर देना है। जो इसका साइज है मैं कुछ 52 के करीब रखूँगा। तो इसकी सैचुरेशन मतलब जो इसकी ऑप्सिटी और हार्डनेस है इसे मैं काबू रखूँगा। तो इसे हल्का हल्का सा फेंक देते हैं जैसे कि। अगर इस फेंकने के बाद अब आपको क्या करना है इसकी ऑप्सिटी कम कर देनी है हल्की सी ज़्यादा नहीं। मैं इसकी ओपेसिटी को चितनी रख देता हूँ और यहाँ से मैं करूँगा डन। ओके गाइस जो भी हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है लगभग। हाँ गाइस कंप्लीट हो चुका है। बस हमें एक टेक्स्ट PNG लगानी है हैप्पी दिवाली की। तो गाइस आपको अपना फिर से एक बार नेट ऑन कर लेना है और आपको स्टिकर्स में चले जाना है। स्टिकर्स में जाने के बाद गाइस अब अगर आप यहां पर हैप्पी दिवाली लिखोगे तो गाइस आपको बहुत सारे PNGs मिल जाएंगे। तो गाइस मैं लिख देता हूं। तो गाइस मैं यहां पे लिखूंगा हैप्पी दिवाली। तो जैसे मैंने यहां पे हैप्पी दिवाली लिखा तो गाइस अब आप देख सकते हो जो इसका थर्ड वाला है तो गाइस मैं इसे ही ले लेता हूँ। गाइस काफ़ी टाइम ले रहा है लेने में तो ये। ओके गाइस जो हमारी टेक्स्ट PNG थी वो आ चुकी है और गाइस जो इसके DA और ये जो इफेक्ट आ रहे हैं तो गाइस इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। इरेजर पे जाना है और गाइस इसे अच्छी तरह से रिमूव कर देना है। ओके गाइस जो दिए वगैरह थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं। तो गाइस इसे मैं कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ यहाँ पर। और गाइस ये थोड़ा सा और रह गया मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। ओके गाइस अब आप देख सकते हो मैंने यह कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। इसे आप ज़्यादा भी कर सकते हो या फिर कम भी रख सकते हो। इसे जहाँ आपको ठीक लगे आप वहाँ कर लेना। तो मैं इसे आपको बताने के लिए यहाँ पर कुछ एडजस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से करता हूँ डन। एंड गाइस डन करने के बाद आओ क्या करना है अब आपको गाइस
ड्रॉ टूल में चले जाना और इस फोटो को सेव कर लेना, और जो इसकी कलर ग्रेडिंग है वो हम करेंगे अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं इस फोटो कर लेता हूँ सेव। अब चलते हैं अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद अपना फोटो हम कर लेते हैं ऐड। तो ये रहा मेरा फोटो, ऑल फोटोज में जाएंगे एंड आने वाली है थोड़ी सी देर में, बस आ चुकी है हमारी फोटो। जैसी फोटो आ जाती है गाइस, इसकी हम कलर ग्रेडिंग अच्छे से करेंगे। और गाइस ये स्टेप बहुत समझने वाला, थोड़ा सा ध्यान से समझना, और जो भी मेरी सेटिंग्स है गाइस वो आप देख लेना। और अब चलते हैं एडजस्टमेंट में, एंड जो इसका ब्लैक है गाइस इसे हम करेंगे कम, और जो इसकी वाइट टोन है इसे भी हम कम ही रखेंगे, और जो इसकी शेडो है इसे भी हम कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसके हाइलाइट्स भी हम हल्का सा कम रख कर देंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कम, -38 की समथिंग रख लेंगे। और जो इसका कॉन्ट्रास्ट इसे हम बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट कलर टूल के अंदर जाएंगे मिक्स में। ओके, तो इसका फर्स्ट वाला मतलब पहला वाला जो कलर है, तो गाइस से मैं कुछ ज़्यादा इफेक्ट इसमें दिख नहीं रहा, तो मैं इसे नहीं छेड़ूंगा ज़्यादा नहीं। और जो इसका नेक्स्ट कलर टूल है इसे हमारे फेस पर एंड जो हमारे हाथ हैं इस पर फर्क पड़ रहा है, तो मैं इसको इतना कर देता हूँ। जो इसकी सैचुरेशन है इसे कम ही रखता हूँ, सैचुरेशन कम में गाइस इसीलिए रखता हूँ ताकि मेरा जो फेस है थोड़ा सा वाइट टोन में आ जाए। और जो इसका नेक्स्ट कलर है इसे हमारी टी शर्ट मतलब हमारी जो टी शर्ट है उस पर फर्क पड़ रहा है, तो मैं इसकी जो सैचुरेशन और वो चीज़ कम ही रखूँगा। सेचुरेशन और लूमिनेंस गाइस मैंने इसकी कम रखी है, एंड आप जो भी देख लेना अगर आपकी कुछ कैसी। और एंड गाइस आप देख लेना अगर आपकी कलर एंड गाइस आप देख लेना अगर आप एंड गाइस आप देख लेना अगर आपकी किसी और कलर की टी शर्ट है तो गाइस उस पर कलर जरूर इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस मैं इसे कुछ इतना कर लेता हूँ। और जो इसका नेक्स्ट कलर है तो ये भी कुछ इतना खास नहीं है, और जो इस पर गाइस हमारी पैंट पर हल्का सा फ़र्क पड़ रहा है, तो गाइस मैं इसे के जो सैचुरेशन है उसे मैं ज़्यादा रखूँगा, और लुमिनेंस भी गाइस मैंने ज़्यादा रखी है। और गाइस और तो कोई कलर हमारी शर्ट में या फिर टी शर्ट में नहीं है, आई मीन टी शर्ट में नहीं है। ओके गाइस सैचुरेशन को मैं इसकी कम रखूँगा, और जो इसकी वाइब्रेंस है इसे मैं ज़्यादा रखूँगा, एंड जो इसका टैंप है इसे मैं हल्का सा कम रखूँगा, और टिंट को मैं हल्का सा छेड़ देता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैंने टिंट को हल्का छेड़ा है। और जो इसका नेक्स्ट टूल है इसकी जो विग्नेट है गाइस मैं इसे थोड़ी सी कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, और मिड पॉइंट भी हल्का सा कम ही रखूँगा, और क्लियरिटी को हम हल्का सा बढ़ा देंगे, एंड जो इसकी शार्पनेस है इसे गाइस मैं बढ़ा देता हूँ, और जो इसकी कलर नॉइस है इसे हम 1% बढ़ाएंगे ताकि हमारा स्मूथनेस खुल जाए। तो गाइस आप देख सकते हो आपकी जो फोटो एकदम बॉम एडिटिंग हो चुकी है। हैप्पी दिवाली कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बता देना, और आपको अगर और दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस ये वीडियो एडिटिंग मतलब मेरी फोटो एडिटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।